हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने HAS प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए DRAW सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के द्वारा और इवन करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। तो अभी हम जुलाई और अगस्त 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। इसके अंदर भी हमारे ऑलरेडी 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर फ्री रिसोर्सेज के अंदर जो करंट अफेयर्स की PDFs हैं वो मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारी ऐप के ऊपर स्पीड रिवीजन कोर्सेज भी मिल जाएंगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, आप जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि न्यूज़ में चलता रहता है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है आपका, जिसमें आपका पानी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट है आपका अलकनंदा रिवर के ऊपर लोकेटेड है, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। अगर मैं इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, तो उसको बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज जो है वो देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट को एक सेंटर ओन्ड इंटरप्राइज, जो कि है तेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग प्रोवाइड करी है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने एग्री कर दिया है कि हाँ, हम इस प्रोजेक्ट को बनाने के जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको अभी दोबारा से रिव्यू करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका 444 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। आपको पता ही होगा कि बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, और जब इन डैम्स में से बहुत हाइट से पानी नीचे गिरता है तो उस पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि अल्टीमेटली टर्बाइंस को रोटेट करती है, और इन टर्बाइंस को रोटेट करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। तो जो अलकनंदा रिवर है यहाँ से बद्रीनाथ से ओरिजिनेट करती है। इन द सेम वे अगर मैं और भी रिवर्स के बारे में बात करूँ, जैसे कि केदारनाथ से मंदाकिनी हो गया, गंगोत्री से भगीरथी हो गया, इन द सेम वे जो यमुनोत्री है वहाँ से यमुना जो है वो ओरिजिनेट करती है। जो आपकी अलकनंदा रिवर है इसकी कुछ आपको राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी और कुछ आपको लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी। जैसे कि लेफ्ट हैंड के अंदर धौली गंगा, नंदाकिनी एंड पिंडर गंगा आ जाता है, जो कि अल्टीमेटली जब अलकनंदा के साथ यूनाइट करती है तो अलग अलग प्रयाग्स बनाती है। जैसे धौली गंगा जब अलकनंदा के साथ यूनाइट करेगी तो विष्णु प्रयाग, इन द सेम वे नंदाकिनी जब यूनाइट करेगी तो नंद प्रयाग, एंड इन द सेम वे करण प्रयाग बनेगा आपका। जब आपकी जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है वो भी अलकनंदा के साथ मिलती है तो यहाँ पे रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग देखने को मिलता है, और इस देव प्रयाग के बाद से ही ये जो अलकनंदा है ये आपकी गंगा कहलाती है, और गंगा की जो राइटेस्ट मोस्ट ट्रिब्यूटरी है दैट इज यमुना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए और रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए। इवन आपके मेंस पेपर के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंग्रोव कवर के बारे में। तो रिसेंटली नासा ने जो स्टडी करी है उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि निकोबार आइलैंड का जो कच्चल आइलैंड है वहां पर जो मैंग्रोव का कवर है वो डिक्रीज देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम निकोबार आइलैंड के कच्चल आइलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर आपका जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है वो लोकेटेड है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका 11 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान के कुछ आइलैंड्स को यहां पर डिवाइड करता है। इन द सेम वे आपका जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार आइलैंड से डिवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको कच्चल आइलैंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम मैंग्रोव कवर के बारे में बात कर लेते हैं। कवर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंग्रोव फॉरेस्ट होते क्या हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं इसके अंदर जो पेड़ होते हैं वो कुछ चीज़ों के लिए अडेप्टेड होते हैं। दैट मीन्स वो लूज सॉइल के लिए, ज़्यादा गीली मिट्टी के लिए अडेप्टेड रहते हैं। इन द सेम वे वहाँ पे आपको ज़्यादा सैलिनिटी देखने को मिलेगी। दैट मीन्स पानी के अंदर जो सॉल्ट का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। अगर मैं मैंग्रोव के बारे में बात करूं तो ये अपनी एक पर्टिकुलर टाइप की जो रूट्स हैं वो बना लेते हैं, जिनको हम न्यूमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि जो सॉयल है वो बहुत ज्यादा वेट है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इस वजह से उनकी
की जो रूट्स होती हैं वो ऐसे बाहर निकल आती हैं जिनको हम न्यूमेटोफोर्स की वजह के नाम से जानते हैं, और यही जो रूट्स हैं वो इनके ब्रीदिंग के लिए हेल्पफुल रहती हैं। इसके अलावा जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं वो वीवी पैरस होते हैं, दैट मीन्स उनके जो यहाँ पे सीड्स जर्मिनेट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि जो प्लांट है और इसका जो यहाँ पर सीड आएगा वो पेरेंट ट्री के साथ अटैच्ड ही जर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरीके से जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं वो यहाँ पर जर्मिनेट करते हैं और इसी तरीके को हम वीवी पैरस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर मैनग्रोव का कितना कवर है और कहाँ कहाँ पे आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि पूरे साउथ एशिया रीजन के अंदर जो इंडिया है वो 45% मैनग्रोव कवर को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा हमारी जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो कि हर 2 साल बाद रिलीज होती है, इसके अंदर भी ये देखा गया कि मैनग्रोव का जो फॉरेस्ट कवर है वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर तक का है, जो कि इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% जो है उसके अंदर आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो हमारे इंडिया के कौन कौन से रीजन्स में देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा आपको सुंदरबंस में देखने को मिलेगा। इवन आपका जो वेस्ट बंगाल के अंदर, इवन वेस्ट बंगाल एंड कुछ पार्ट जो है वो आपका बांग्लादेश वाले रीजन में भी लाइक करता है। तो सुंदरबंस के अंदर जो मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर कंसीडर होते हैं। इवन इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी डाला हुआ है। अदर देन दिस आपको ओडिशा के भीतर कनिका वाले रीजन में, या फिर बोलूं कि ब्रह्मनी और बेहतारनी रिवर्स जो हैं उसके आपके जहां पर वो ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, तो वहां पर भी आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपकी जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें ज्यादातर आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है पूरे ओडिशा से लेकर तमिलनाडु वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। हालांकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो थोड़े कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक स्टडी को कंडक्ट किया हैदराबाद और बेंगलुरु वाले रीजन के अंदर। तो यहां पे ये जो स्टडी कंडक्ट करी गई है, यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को चूज किया गया था और उनके ऊपर इस स्टडी को कंडक्ट करवाया गया है। तो इस स्टडी के अंदर वाटर बेस्ड सर्विलेंस फॉर COVID-19 जो है ये देखने को मिला। इसका मतलब क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं वाटर बेस्ड सर्विलेंस फॉर COVID-19 के बारे में बात करूं, तो बेसिकली जो वेस्ट वाटर होता है तो उसके अंदर आपको वायरल लोड देखने को मिलता है। वायरल लोड का सिंपल सा मतलब है कि उस वेस्ट वाटर के अंदर आपको अलग अलग जो टाइप ऑफ वायरसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। अब यहां पे ये जो स्टडी कंडक्ट करी गई है इसके अंदर उन वायरसेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा लैब्स के अंदर, मतलब कि वहां से पहले सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और उस सैंपल से जो भी वहां पे वायरसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो उन वायरसेस की यहां पे सीक्वेंसिंग भी होगी और उस सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि ये जो वायरस है वो कौन सी डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स यहां पे इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहां पे पहले ही वायरल लोड के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से रीजन के अंदर कौन से टाइप ऑफ वायरस जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन द सेम वे अगर उन वायरसेस की सीक्वेंसिंग हो जाती है, दैट मींस उनका जो जीनोम है, जैसे कि आरएनए डीएनए जो भी होता है ना, तो अगर उनकी सीक्वेंसिंग हो जाती है तो ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो वायरस है वो कौन सी डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इन द सेम वे हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पहले से ही कोई ना कोई जो डिजीज़ कॉज होगी उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं वाटर बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम के लिए। तो ये जो अभी रिसेंटली स्टडी करी गई है वो COVID-19 के लिए करी गई है। दैट मीन्स यहाँ पे COVID-19 के आपको अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं, सार्स कोरोना वायरस 2 के जो अलग अलग वेरियंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिनकी पहले से ही सिक्वेंसिंग कर ली जाएगी और उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ वगैरह हैं उनका पता लगाया जा सकता है। और इवन यहाँ पे उनसे रिलेटेड जो वैक्सीन हैं उनको भी पहले से ही बनाया जा सकता है। तो ये आपका सिग्निफिकेंस रहता है, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आपके मेंस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने फॉरेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को यहां पर दोबारा से अमेंड किया है। तो यहां पे आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 वाले देखने को मिलेंगे। तो इन रूल्स के अंदर इन्होंने कुछ जो सेक्शन है यहां पे 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वहां से लिए हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ
कुछ जो रूल्स हैं उनको सप्रेस किया है, दैट मीन्स ये रूल्स जो हैं अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं जो नए रूल्स आए हैं 2022 के अंदर उनके बारे में बात करूं, तो इन्होंने अलग अलग कमेटीज़ को बनाने की बात करी है। जैसे एडवाइजरी कमेटी बनाया जाएगा, इन द सेम वे आपकी रीजनल एम्पावर्ड कमेटी बनाया जाएगा। जो आपकी रीजनल पावर्ड कमेटी है वो बेसिकली अलग अलग प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे अप्रूवल करने का काम करेगी। जैसे कि उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे अलग अलग आपकी लिमिटेशंस दी गई हैं, जैसे 40 हेक्टेयर तक का फॉरेस्ट लैंड होना चाहिए, जिनकी जो कैनोपी डेंसिटी है 0.7% तक होनी चाहिए। तो उन प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल के लिए यहाँ पे रीजनल एम्पावर्ड कमेटी को बनाया जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में, तो ये जो कमेटी है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। जैसे आपके जो भी माइनिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि फॉरेस्ट लैंड को हटा के वहाँ पे माइनिंग से रिलेटेड कोई चीज़ करनी होती है, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स को स्क्रीन करने के लिए ये स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है। इसके अलावा आपको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई भी हिली या माउंटेनियस स्टेट है, अगर उसका 2/3 ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया जो कि फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, अगर उसको रिमूव करना है और कोई और प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाना है, कोई इंडस्ट्री बनानी है, कोई माइनिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट लेके आना है, तो यहाँ पे आपको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपने जितना भी लैंड पे से फॉरेस्ट कवर को हटाया है उतना ही लैंड लेकर आपको वहाँ पे एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, नए नए पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। इन द सेम वे इन्होंने बाकी स्टेट्स के लिए रखा है कि अगर उनका जो फॉरेस्ट कवर है वो 1/3 से ज्योग्राफिकल एरिया जितना उनका फॉरेस्ट कवर है, तो यहाँ पे आपको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपके माउंटेनियस स्टेट्स हैं या फिर आपके जो नॉर्मल स्टेट्स हैं जो कि प्लेन्स वाले रीजन के अंदर लाई करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया रख दिया है कि उन्होंने कितने कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है वो करनी है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं कि रिसेंटली जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने नाइट्रोजन एसिमिलेशन इन प्लांट्स की नई टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं जब वो ग्रो करते हैं तो उनको अलग अलग मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, इन द सेम वे इनको नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो नाइट्रोजन होते हैं वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो क्योंकि वो जो नाइट्रोजन गैस है वो डायरेक्टली प्लांट्स के अंदर नहीं डाली जा सकती, तो इसको अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये कन्वर्जन करने का जो काम है यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जिनको हम नाइट्रीफाइंग या फिर अमोनीफाइंग बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जानते हैं। तो अब जो नई रिसर्च आई है जिसके अंदर नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड जो आपका टिफर है, इन्होंने ये डिस्कवर किया है कि ये जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन ऑलरेडी हो रही है जिसके अंदर हम नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने इसके अंदर ये फाइंड आउट किया कि बेसिकली एक पर्टिकुलर जीन होती है, इस जीन से आपका आरएनए बनता है, दैट मीन्स जीन जो है वो डीएनए की फॉर्म में होती है, आरएनए से आपका कोई ना कोई जो प्रोटीन है वो बनता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, अब क्योंकि उससे आरएनए बनेगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं इन जीन्स की इन्हेंसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं या फिर सप्रेशन भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को आइडेंटिफाई किया गया, दैट इज MADS27। इन द सेम वे ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि नाइट्रोजन एसिमिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके साथ एक पर्टिकुलर माइक्रो आरएनए को जोड़ा जाएगा जिसका नाम है MIR444। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ तो इसकी वजह से जो ऐसी जीन है नाइट्रोजन एसिमिलेशन की वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और उसकी वजह से ये जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन को एसिमिलेट कर पाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को माइक्रो आरएनए 444 से जब जोड़ा गया तो ये देखने को मिला कि प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो गई। इन द सेम वे जो रूट की डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा रूट की डेवलपमेंट होगी उतनी ज़्यादा उस रूट के ऊपर जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रह पाएंगे और अल्टीमेटली वो नाइट्रोजन को एसिमिलेट करने में हेल्पफुल रहेगा। इन द सेम वे ये जो प्लांट है वो ज़्यादा स्ट्रेस को भी झेल सकती है। तो ओवरऑल आपका ये देखा गया है कि इस रिसर्च के द्वारा यहाँ पे नाइट्रोजन एसिमिलेशन को तेज किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज
उसके बारे में बात करते हैं जो कि है आपका चिकुरिंजी के बारे में। तो जो चिकुरिंजी है वो केरला के एक पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिला है, दैट इज अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन ये जो फ्लोरा की स्पीशीज़ है ये इन्वायरमेंटल डैमेज होने की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो रही है। इवन इस स्पीशीज़ के अंदर ये भी देखा गया है कि वैसे तो ये जनवरी के अंदर फ्लावर करती थी, तो जैसा कि आपको पता है एक प्लांट का जो फ्लावर होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इसकी ये जो रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल है वो चेंज हो गया है, तो दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो ये फ्लोरा है वो इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इसको सेव करने के लिए अलग अलग कैंपेन्स को भी चलाया जा रहा है, जैसे कि सेव चेनकुरिंजी चलाया जा रहा है। इन द सेम वे अगर मैं इस फ्लोरा की ये जो स्पीशीज़ है इसके बेनिफिट के बारे में बात करूँ तो ये आपको ब्लड प्रेशर और आर्थराइटिस जो है उसको ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि रिलेटेड है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। नाउ व्हाट इज़ ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर? तो अगर मैं सबसे पहले ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो इसका मतलब हमने जितने भी पानी के रिसोर्सेज हैं उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, आपका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काउंट करते हैं। इन द सेम वे अगर मैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो अगर हमने बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना शुरू कर दिया या फिर आपके अर्बन या फिर रूरल एरियाज़ के अंदर अलग अलग जगहों पे, जैसे कि आपकी टेरेस फार्मिंग हो गया या फिर आपके हाउसेस के ऊपर जो रूफ़ हैं उसके ऊपर कोई ग्रीनरी वगैरह बनाने का काम हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काउंट होती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए अलग अलग जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सामने देखने को मिल रही हैं, जैसे कि आपकी ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट मीन्स आपके पानी को भी यहाँ पे अलग अलग उसका यूज़ किया जाएगा, इन द सेम वे आपकी ग्रीनरी को भी यूज़ किया जा सकेगा ताकि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसको कम किया जा सके या फिर उसको मिटिगेट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली US के अंदर कुछ जो स्टेट्स हैं उसके अंदर एक इन्वायरमेंटल फिनोमिना जो है वो देखने को मिला है जिसका नाम है डरेचो। तो अगर मैं डरेचो के बारे में बात करूँ जिसके अंदर जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाता है, तो अगर मैं इस फिनोमिना के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो टॉर्नेडो है उसके अंदर जो सर्कुलर विंड्स हैं वो आपको देखने को मिलती है जो कि अल्टीमेटली सरफेस से लेके स्काई तक की विंड्स होती हैं। तो दैट मीन्स इसके अंदर जो आपकी विंड्स होती हैं वो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट करती हैं और एक कोन बना लेती हैं। अगर मैं इस टॉर्नेडो के बारे में बात करूं जिसके अंदर ये एक आपके पर्टिकुलर शेप देखने को मिलती है, लेकिन जो डरेचो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो विंड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो फिनोमिना है आपको इसके अंदर जो स्काई है वो ग्रीन देखने को क्यों मिलता है, तो क्योंकि इन विंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि अल्टीमेटली वाइट लाइट को ज़्यादातर वाइट लाइट के अंदर जितने भी कलर्स होती हैं उनको स्कैटर कर देती हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो कलर है वो आपका रह जाता है दैट इज़ ब्लू। अब ये जो आपका ब्लू कलर होता है वो जब स्कैटर्ड रेड और येलो कलर के साथ कंबाइन करता है तो यहाँ पे आपको जो स्काई है वो ग्रीन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं डरेचो के बारे में बात करूँ तो ये एक वार्म कंडीशन का फिनोमिना है, दैट मीन्स जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस टाइम पर ही ये रेयर फिनोमिना आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड पांडा के बारे में। तो रिसेंटली जो आपका पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है जो कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, तो उन्होंने एक रियरिंग प्रोग्राम को शुरू किया था जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे जो रेड पांडाज हैं वो इंक्रीज़ हो गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया है कि कुछ जो रेड पांडाज हैं उनको दार्जिलिंग के जो दूसरा नेशनल पार्क है दैट इज़ आपका जो सिंगालीला नेशनल पार्क है उसके अंदर रिलीज़ किया जाएगा। तो अगर मैं पांडाज के बारे में बात करूँ तो हमारे इंडिया के अंदर आपको दो टाइप के जो पांडाज हैं वो देखने को मिलेंगे, एक है आपका रेड पांडास और एक है आपका जाइंट पांडास। तो इन दोनों की कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर जो रेड पांडास है दैट इज़ एंडेंजर्ड एंड जाइंट पांडास आर वल्नरेबल। इन द सेम वे साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर लाई करता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर जो रेड पांडा है वो लाई करता है। तो आपको इन दोनों नेशनल पार्क्स के बारे
बारे में भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली जापान वाले रीजन के अंदर एक वॉल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ है, जिसको हम साकुराजिमा वॉल्केनो के नाम से जान रहे हैं। तो अगर मैं सबसे पहले जापान के बारे में बात करूँ, जो कि आपका इंडो पैसिफिक या फिर जो आपका नॉर्दर्न पैसिफिक रीजन है उसके अंदर लाई करता है, जिसके यहाँ पे आपको अलग अलग आइलैंड्स जो है वो देखने को मिलेंगे, दैट इज होकाइडू, होन्शू, शिकोकू एंड क्यूशू। तो क्यूशू वाले रीजन में यहाँ पे आपको साकुराजिमा जो वॉल्केनो है वो यहाँ पर इरप्ट किया है। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि जापान के कौन से आइलैंड में ये जो वॉल्केनो है वो इरप्ट किया है। इसके अलावा भी आपको जापान के अंदर बहुत सारे ऐसे वॉल्केनोज जो हैं वो इरप्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्केनो के बारे में बात करूँ, तो वॉल्केनो जो है सिंपली एक ऐसी ओपनिंग होती है जहाँ से जो हमारी धरती के अंदर से जो मैग्मा होता है वो लावा की फॉर्म में वेंट में से निकल कर आता है। तो यहाँ पे आपके अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे एक तो लावा बाहर आता है, इसके अलावा आपकी बहुत सारी जो ऐश हो गया, गैस हो गया या फिर कुछ जो पार्टिकल्स हो गया वो इस वेंट से बाहर निकलती हैं। और क्योंकि ये जो आपका जो मटेरियल है वो वेंट से एब्रप्टली बाहर आता है, तो इसीलिए आपको एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के वॉल्केनोज के बारे में बात कर लेती हूँ, ऐसे तो आपके बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ वॉल्केनोज होते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपके दो वॉल्केनोज को ऐड किया हुआ है। दैट इज आपका एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है और एक आपका शील्ड वॉल्केनो है। तो इन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस देखने को मिला, जैसे कि आपका जो स्ट्रेटो वॉल्केनो है इसके अंदर जो आपके माउंटेन्स वाली जो फिनोमिना बनते हैं वो थोड़े स्टीप होते हैं। इन द सेम वे अगर मैं इसके लावा के बारे में बात करूं, तो इसका लावा की जो विस्कोसिटी होती है बहुत ज्यादा थिक होती है, दैट मींस वो इजीली जो है वो फ्लो नहीं कर पाता। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं शील्ड वॉल्केनो के बारे में, तो इसकी जो स्लोप्स होती हैं वो जेंटल स्लोप्स होती हैं और यहां पे जो लावा होती है इसकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है और वो इजीली जो है वो फ्लो कर सकता है। कुछ और चीज़ें जो आपको वॉल्केनो के बारे में पता होनी चाहिए कि अगर एक वेंट से जो मैग्मा है वो बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा बोल देते हैं, अदरवाइज अगर वो नीचे ही सबमर्ज्ड है तो उसको हम मैग्मा के नाम से ही जानते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। हमने अलग अलग फिनोमिनाज को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।